हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा खाना तैयार है। ये देखिए चने की सब्जी, सॉरी चने की दाल है, ये देखिए मसालेदार, और आलू की सब्जी। देखिए मैंने आज बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है, चावल है, रोटी है, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए है। ये देखिए कितना टेस्टी खाना है, और आप लोग भी खाइए, और कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आज का खाना आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू। हेलो गैस, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ही होगा भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों को अच्छा रखे। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, मसालेदार, और आलू की भुजिया। अब मैं डालूंगी तेल, इधर मैं सब्जी छौंकूंगी, इधर मैं दाल छौंकूंगी। तो एक चम्मच तेल मैं दाल के लिए भी कर दूं, साथ ही साथ डेढ़ चम्मच मैंने आलू की भुजिया के लिए। गैस को मैं तेज थोड़ा कर दूंगी दाल का, ठीक है इतना। अब मैं दाल छौंकूंगी पहले, दोनों ही से साथ साथ में जीरा डाल दिया, इसमें भी जीरा डाल दिया आलू की सब्जी में। चने की दाल है तो इस बारे में हींग जरूर छोड़ूंगी। अब मैं प्याज डालूंगी दाल छौंकने के लिए, अब इसमें आलू में भी मैं प्याज छोड़ूंगी। इसके साथ में थोड़ा टमाटर भी छोड़ूंगी। अब इसमें मैं छोड़ूंगी हल्दी पाउडर, आलू छौंकना है, हल्दी पाउडर हो गया, थोड़ा सा सब्जी मसाला हो गया, आप देख रहे हैं, देखिए लाल मिर्च हो गई, लाल मिर्च मैं थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं छोड़ती हूँ, हल्का सा धनिया हो गया एक चम्मच, मैं इसको अच्छे से चला दूँगी। अब मैं ये आलू डालूँगी, स्वाद अनुसार नमक, देखिए कितना अच्छा कलर होने लगा। अब मैंने सब्जी को छौंक दिया, गैस को बहुत स्लो कर दिया है। अब ये दाल मैं छौंकने जा रही हूँ, तो डालूंगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्का सा पानी डालूंगी ताकि मसाला बहुत अच्छे से गल जाए। और थोड़ा सा मिर्चा डालूंगी चने की दाल में, मसाला बहुत अच्छा लगता है गरम मसाला। एक चम्मच धनिया डाल दूंगी, स्वाद अनुसार नमक, बहुत हल्का नमक डालूंगी मैं, क्योंकि मैं उबलते समय दाल में नमक डाल देती हूँ। अब
देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा मेरी सब्जी का। देखिए अब मैं दाल छौंक रही हूँ, देखिए चने की दाल, मसाला मेरा भूनने वाला है। ये देखिए मैंने दाल को गला के रखा है, आप देख सकते हैं चने की दाल को, मसाला भुन जाएगा तो मैं इसी में कलर दूंगी। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरह से भुन गया है, तेल इसमें छोड़ दिया है। ये दाल मैं इसी में पलट दूंगी। मैंने मसाले वाली आज चने की दाल बनाई है। देखिए दाल मैंने छौंक दी और दाल का भी कलर बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए। और आलू की भुजिया का भी कलर बहुत अच्छा आ रहा है।